नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं सतीश शर्मा सर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए सिलेबस के ऊपर जो कि सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, काफ़ी बच्चों को आशा थी कि जल्द से जल्द बुक्स आने चाहिए थे हमें दिसंबर जनवरी में, लेकिन बुक्स काफ़ी लेट आई है। अप्रैल में मई में शायद से आप लोगों को बुक मिलती थी, लेकिन कोरोना के वजह से शायद से बुक्स आपको जून तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। राइट, तब तक आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ई बाल भारती वेबसाइट पे जाके आप सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, हम लोग आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलो देखो बच्चों, जो नया सिलेबस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पैटर्न फर्स्ट एडिशन न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, पार्ट वन और पार्ट टू, जो कि 40 मार्क के लिए, पार्ट वन और पार्ट टू जो है 40 मार्क के लिए। ठीक है, टोटल टॉपिक्स अगर देखेंगे तो 14 टॉपिक्स है हम लोगों को, 7 टॉपिक्स पार्ट वन में है, 7 टॉपिक पार्ट टू के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में अगर स्टडी करें तो मैथमेटिकल लॉजिक लास्ट ईयर भी सेम टॉपिक्स था, इस साल भी सेम टॉपिक है। ठीक है, तो काफ़ी आसान टॉपिक्स है बच्चों, इसमें आप पूरे पूरे नंबर्स आप ले सकते हो। ठीक है, सेकंड टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ता है रिडक्शन से, कॉलम से, या फिर कोफैक्टराइजेशन से, तो वो टॉपिक्स एज इट इज है। थर्ड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सेम टॉपिक्स लास्ट ईयर भी था, इस साल भी इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है साइन कॉस टैन की, ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू। ठीक है, या उसके कुछ इक्वेशंस। फोर्थ टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका जनरल इक्वेशन रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा, करीबन दो एक्सरसाइज रहेंगे और फॉर्मूले में पुट करो और वैल्यू आपका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर फिफ्थ है वेक्टर, लास्ट ईयर भी सेम टॉपिक्स था, इस साल भी सेम टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, लाइन एंड प्लेन, ये टॉपिक्स दो टॉपिक्स थे आपको लास्ट ईयर सिलेबस में, लेकिन इस साल उन्होंने लाइन और प्लेन को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर सिक्स। ठीक है, लास्ट ईयर लाइन अलग टॉपिक्स था, प्लेन अलग था, 3D अलग था, और बच्चों को अच्छी खबर ये है कि इस साल 3D नहीं है, 3D थ्री डायमेंशनल टॉपिक्स को सिलेबस में से कैंसिल कर दिया है। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, काफ़ी आसान टॉपिक्स है, जनरल इक्वेशन निकालो, फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, और ग्राफ निकालना है आप लोगों को। ठीक है, ये 7 चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है, सारे क्वेश्चन अगर आप एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सॉल्व करते हो तो आप 40 out of 40 मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, और कंपेयर करें अभी पार्ट टू को, तो पार्ट टू थोड़ा सा हार्ड है, पार्ट वन काफ़ी आसान टॉपिक से, पार्ट टू में थोड़े से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नाम के हेवी टॉपिक्स है। ठीक है, तो टोटल टॉपिक्स हमें 7 ही है पार्ट टू के अंदर। फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सिलेबस में लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये टॉपिक्स आपको सिलेबस में से निकाल दिया है, लिमिट क्लास 11th को है, कंटिन्यूटी भी क्लास 11th को है। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूटेड टॉपिक्स आपको सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो टॉपिक है डेरिवेटिव, सेकंड है उसके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड है इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, और फोर्थ है डेफिनेट इंटीग्रेशंस। ठीक है, और फिफ्थ टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 3 टॉपिक तो इंटीग्रेशन के ही है, 2 टॉपिक डेरिवेटिव के। काफ़ी दिन लगते बेटा ये टॉपिक के एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, एक एक डेढ़ दो महीने इस टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, अब अच्छी खबर ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चैप्टर था जो सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए। या इस सिलेबस में पार्ट वन में 3D रिड्यूस हुआ है और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी चैप्टर नंबर 6 और 7 एज इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जल्द से जल्द इसके नए वीडियो बनाएंगे, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन
ऑन बोर्ड सॉल्व करके दिखाएंगे, और जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता है तब तक हम लोग अच्छे से आसान तरीके से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे। तो इससे पहले आप लोग को लग रहा है कि सच्ची प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने जल्द से जल्द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के लेक्चर जल्द से जल्द यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए, तो बिल्कुल हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हो कि सर जल्द से जल्द लेक्चर बनाइए, ठीक है। अगर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता होंगी तो हम ज़रूर इस पर लेक्चर बना रहे हैं और इससे बेहतर लेक्चर आप लोगों को बनाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।